हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। 2022 में सबसे मेजर चीज जो हम लोगों ने सीखी थी वो ये सीखी थी कि हमारे क्रिप्टो जो है हमारे एक्सचेंजेस में नहीं होने चाहिए, हमारे वॉलेट्स में होने चाहिए। आज के टाइम में हम बात करेंगे कुछ वॉलेट्स की, उनके एडवांटेजेस की, उनके डिसएडवांटेजेस की, जो आप लोगों को पता होना चाहिए बिफोर यू चूज अ वॉलेट। अगर आप लोगों ने वॉलेट ऑलरेडी चूज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग वॉलेट यहाँ पे चूज कर रहे हो सो यू शुड नो द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ दोज पर्टिकुलर वॉलेट्स। क्या क्या उनके एडवांटेज हैं वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक एक्सचेंज जो है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ऑल्सो एक एक्सचेंज जो है वो बना इसलिए है, क्रिप्टो एक्सचेंज बना इसलिए कि वहाँ पे आके आप ट्रेडिंग कर सकें। ट्रेडिंग से मेरा मतलब है फिएट से अपने क्रिप्टोस परचेज करें, क्रिप्टो से क्रिप्टो परचेज करें, या क्रिप्टो से फिएट में ट्रांसफर करें। इन चीज़ों के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज बना है, ना कि आपके क्रिप्टो स्टोर करने के लिए। ये चीज़ें हम लोगों ने सीखी एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में भी डरे हुए हैं कि वो अपने क्रिप्टोज अपने वॉलेट में रखें कि ना रखें। क्या सारी चीज़ें हैं एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो उनसे बच के रहना, वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं। किसी भी सोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते एंड किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने। किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करे तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा। जहां पे हम लोग बात करते हैं अपने क्रिप्टोज अपने एक्सचेंज से हटा के अपने वॉलेट में ट्रांसफर करने की, काफी इन्वेस्टर हैं जो इसमें क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या हमारे क्रिप्टोज हमारे वॉलेट में सेफ है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि यार हम कर तो दें बट आगे जाके क्या होगा हमारे वॉलेट का, अगर हम अपनी की भूल गए या हमारा वॉलेट मिसप्लेस हो गया तब क्या होगा उन चीज़ों का। इसी के साथ साथ हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि वॉलेट में एटलीस्ट आपकी कस्टडी में आपके क्रिप्टोज है, आप उसको सेफली रखते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप उसके फ्रेजेस सेफली रखते हो, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वो आपने सेफली रखने ही पड़ेंगे बिकॉज वो चीज़ में आपके पैसे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपने वहाँ पे रख रखी है। इफ़ यू लूज योर फ्रेज या किसी के साथ आपने शेयर करे अपने फ्रेजेस तो आप ये समझ लीजिए आपने अपने क्रिप्टोज उठा के किसी को दे दिए एंड यू नीड नॉट डू एनीथिंग एल्स। आप उसके बाद आपके क्रिप्टोज जो है आपके पास रहेंगे ही नहीं। ये दिस इज एज सिंपल एज दैट एंड ये चीज़ काफ़ी लोग समझते हैं आज की डेट में बट काफ़ी लोग हैं जो इसको नज़रअंदाज करते हैं। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 क्रिप्टो वॉलेट्स जो मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है। क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं, कौन से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं एंड कौन से हम लोग ने यूज़ नहीं करे हैं अभी तक, क्या उनके रीजंस हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक हॉट वॉलेट की विच इज़ एक्सोडस वॉलेट। हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं। अब यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इंटरफेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, बहुत ईजी टू यूज़ है। ज़्यादा इसमें ऑल्दो क्रिप्टो के आपको ऑप्शन नहीं मिलते टू स्टोर बट उसी के साथ साथ ये बहुत ईजी टू यूज़ है। आप इसको अपने मोबाइल में अपने डेस्कटॉप में आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। मेजरली जब एक्सोडस वॉलेट सामने आया था इट वॉज मेंट फॉर अ डेस्कटॉप वॉलेट, इट वॉज नेम्ड एज अ डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल यूजर्स के लिए नहीं था बट लेटर ऑन दे डेवलप्ड एन एप्लीकेशन फॉर द मोबाइल एज वेल। तो आप इसको दोनों मोबाइल एंड अपने डेस्कटॉप में यूज कर सकते हो। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं फिर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेज यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ हैकिंग। यहाँ पे हर 2 हफ्ते में यहाँ पे एक सिक्योरिटी अपडेट आता है आपके पास जो आप डाउनलोड करके इसमें अपडेट करते हो। वो अपडेट है फ्रॉम दी हैकर्स, हैकर्स जो जो चीज़ें मार्केट में करते हैं टू हैक योर क्रिप्टो उससे बचने के लिए ये लोग अपना सॉफ्टवेयर जो है अपडेट करते रहते हैं एवरी 2 वीक्स एंड आज तक एक्सोडस वॉलेट कभी भी यहाँ पे हैक नहीं हुआ है। दैट इज़ अ मेजर पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस वॉलेट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा टू यूज़ एक्सोडस वॉलेट यहाँ पे। बट अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो सबसे मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोडस वॉलेट इज कि यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं क्रिप्टोज के। ज़्यादा ऑप्शन से मेरा मतलब अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से बात करो, कंपेयर करो या मेटामास्क से कंपेयर करो तो यहाँ पे आपको थोड़े लिमिटेड क्रिप्टोज के ऑप्शन मिलेंगे एंड ब्लॉकचेन्स के भी ऑप्शन थोड़े लिमिटेड आपको मिलेंगे। सो यू माइट गेट कन्फ्यूज कि हम अपने जो क्रिप्टोज ट्रांसफर कर रहे हैं वो किस ब्लॉकचेन में करें या करें कि नहीं करें, कैसे करें, वो सारी चीज़ें कन्फ्यूजन रहेंगी शुरू में। बट अगर आपने कभी भी वॉलेट यूज़ नहीं करा है, माई ओनली सजेशन टू यूज़ कि पहले आप डाउनलोड कर लो वॉलेट, थोड़ा उसके इंटरफेस से आप फेमिलियर हो जा, ओनली देन ट्राई टू यूज़ इट परमानेंटली। क्योंकि फेमिलियर होने के लिए आपको यहाँ पे पैसे कुछ भी नहीं दे रहे, फेमिलियर होने के लिए आपने खाली सीखना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ पे लास्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें ऑफ एक्सोडस वॉलेट तो इसका कस्टमर सपोर्ट जो है वो 24/7 ओपन रहता है एंड इट इज़ वेरी प्रॉम्प्ट। बट यहाँ पे अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सोडस का खुद का जो एक्सचेंज है वहाँ पे फीस जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल जो भी एक्सोडस वॉलेट यूज़ करते हैं या करने की सोच रहे हैं वो इस वॉलेट को यूज़ करें ओनली एज अ वॉलेट।
वो जब इसका एक्सचेंज यूज़ करेंगे तो उनकी फीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगती है। उन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है, उन चीज़ों से हम लोग दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी ऐसे एक्सचेंज है जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आपने क्रिप्टोज वहाँ पे ट्रांसफर करके हम एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम में। सेकेंड हॉट वॉलेट की अगर हम यहाँ पे बात करें विच इज़ मेटामास्क। मेटामास्क जो कि बनाया गया था टू ट्रेड इन इथेरियम, जितने भी लोग इथेरियम में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि मेटामास्क वॉलेट हमेशा उनके पास रहता है। इट इज़ अ गुड वॉलेट, इसमें कोई भी शक नहीं है, बहुत अच्छा वॉलेट है, बहुत टाइम से चलता है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। एंड यस, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लोग इसको बहुत टाइम से, तो ये बोलना कि एकदम नया है मार्केट में कैन बी रॉन्ग। अब यहाँ पे अदर देन इथेरियम बहुत सारे अलग नेटवर्क भी यहाँ पे यूज करते हैं लोग। बात करें हम लोग बाइनेंस की, बात करें हम लोग पॉलीगॉन, एवलॉन्च एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन की, तो वो यहाँ पे लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पे अगर हम बात करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पे एनएफटी मार्केट में अगर हम लोग जानते हैं, ओपन सी अगर आप लोग यूज करते हो तो आपको पता होगा कि कैसे मेटामास्क के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो बहुत ईजिली। अगेन से अगर आप एनएफटीज में डील करने की सोच रहे हो या करते हुए आ रहे हो, आप अलग से एक नया वॉलेट बना लो फॉर एनएफटीज, जहां पे उतना ही क्रिप्टो रखो जो कि आपके कनेक्टेड रहेंगे फ्रॉम ओपनसी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि 1000 प्लस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट करता है, विच इज अ गुड थिंग। बट अगेन से आप लोग अलग से एक वॉलेट बना के उसमें कनेक्ट करना, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप कनेक्ट करते हो। एंड लास्टली जो इसका इंटरफेस है विच इज वेरी एक्चुअली वेरी फ्रेंडली टू यूज, एंड वो देख के ऐसा लगता है कि यस हम लोग इसको यूज कर चुके हैं पहले भी। अगर इसको आप कंपेयर करते हो विद अ ट्रस्ट वॉलेट तो आपको कहीं ना कहीं इंटरफेस बहुत ज्यादा फेमिलियर दिखाई देगा। बट अब बात करें अगर हम लोग डिसएडवांटेज की ऑफ मेटामास्क, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मेटामास्क इज यहाँ पे एक अच्छी खासी फीस लगती है टू बाय इथेरियम, जो हम लोगों को पहले से पता है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं फ्रॉम ERC-20 टोकन्स इथेरियम को परचेज करने में। मेटामास्क में काफ़ी अच्छी खासी फीस लगती है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे इथेरियम को छोड़ के किसी और नेटवर्क को आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो हो जाता है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इसको कंपेयर करते हो विद अ हार्डवेयर वॉलेट तो इट इज़ नॉट दैट सेफ, नॉट दैट सिक्योर। इनफैक्ट ऑल दी हॉट वॉलेट्स आर नॉट एज सेफ सिक्योर लाइक अ कोल्ड वॉलेट, ये चीज़ हम लोगों ने आपको पहले भी बताई है। द नेक्स्ट हॉट वॉलेट जिसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इज द ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आई एम श्योर सब लोगों ने नाम सुना है इसका पहले भी, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ट्रस्ट वॉलेट की अगर हम यहाँ पे एडवांटेज की बात करें तो बहुत ईजी है टू यूज़। इसका जो पूरा इंटरफेस है विच इज़ वेरी एक्चुअली वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, जब आप पहली बार देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि एक्चुअली में इसमें हमने क्रिप्टोस कैसे मंगाने, कैसे हमने यहाँ से सेंड करने या कैसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करनी है। थर्डली अगर यहाँ पे बात करें तो मोर देन 10 मिलियन जो एक्टिव यूजर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट, सो सेइंग इट इज़ बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। यहाँ पे अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो आता है वो आता है फ्रॉम द कस्टमर सपोर्ट, इनएडुकेट कस्टमर सपोर्ट, जिसकी कंप्लेन काफ़ी लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे सुधरती है तो इट कैन बिकम अ गुड वॉलेट। सेकेंडली हम लोग यहाँ पे बात करें तो मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, विच कैन बी वर्कड अपॉन ट्रस्ट वॉलेट, कब तक वो सामने लाता है, एवरीबडी इज आइंग ऑन दैट। थर्डली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता टूवर्ड्स दी हार्ड वॉलेट। हार्ड वॉलेट जिसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट जो आप लोग कर सकते हो अगर आपके पास क्रिप्टो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा खासा है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बात करें लेजर की, लेजर का नाम काफ़ी लोगों ने सुना है, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो यूजिंग लेजर। लेजर जो है काफ़ी टाइम से मार्केट में, इट इज़ अ कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट हमेशा सेफ सिक्योर ज़्यादा रहते हैं देन अ हॉट वॉलेट, बट इनके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहते हैं। क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर एडवांटेज की बात करें तो छोटा सा एक कंपैटिबल सा प्रोडक्ट आता है जिसको आप पेन ड्राइव की तरह भी देखते हो, तो ये कहीं पे भी आप रखते हो स्टोर करने के लिए बहुत ईजी रहता है। इसमें आप अपने NFTs भी स्टोर करके रख सकते हो, उसमें भी आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड यहाँ पे आपको अच्छी खासे यहाँ पे ब्लॉकचेन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे क्रिप्टोज मिल जाते हैं विच यू कैन स्टोर इन अ लेजर नैनो एस या लेजर नैनो एक्स। वहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं तो यस इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप वो क्रिप्टो वॉलेट यूज़ करो जहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की, हम लोग ऐसा वॉलेट देखना चाहेंगे जहाँ पे हम सारे के सारे अपने क्रिप्टो जो है वो रख सके। अब इसके अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यस यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है टू परचेज नैनो, चाहे आप फिर कोई भी ले लो, लेजर नैनो एस ले लो, लेजर नैनो एक्स ले लो, आपने पैसा देना पड़ेगा टू परचेज दिस डिवाइस। अगर हम सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो जब भी आप इसमें कोई सेलिंग करते हो तब आपके पास यह हार्डवेयर वॉलेट होना चाहिए। यस इसका एक सॉफ्टवेयर जो है वो आता है आपके मोबाइल में, आप डाउनलोड करके रख सकते हो, बट दैट इज जस्ट टू सी कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या उसमें चीज़ें चल रही है, आपने कहीं से क्रिप्टो मकाने हैं तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, बट टू सेल इट टू विड्रॉ इट आप लोगों को आपकी हार्डवेयर डिवाइस उस टाइम चाहिए होगी। अब बात करें लास्ट वॉलेट की, एंड दिस ऑल्सो इज अ कोल्ड वॉलेट विच इज ट्रेजोर्स।
ट्रेजोस जो है हम लोग पर्सनली यूज नहीं कर रहे, बट जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो क्विकली आपको बता देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले एडवांटेज की, इसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। आई हैव नॉट यूज्ड इट अगेन, इसलिए मैं यहाँ पे देख के आपको बता रहा हूँ। इसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। सेकेंडली, हाई सिक्योरिटी हार्डवेयर वॉलेट। यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रेजोस की सिक्योरिटी काफी ज्यादा अच्छी है। आई हैव नॉट यूज्ड इट पर्सनली। स्विचिंग बिटवीन प्राइवेट डील्स इज सिंपल। यहाँ पे अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, कॉस्टली ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, यहाँ पे आपको पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ते हैं अगर आप इसको कंपेयर करते हो किसी भी वॉलेट से। सेकेंडली, इट इज स्लो फॉर दोज हु वांट टू ट्रेड डिजिटल टोकन्स क्विकली। ऑब्वियसली अगर आप लोग हर दिन यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो क्रिप्टो मार्केट में या वीकली भी ट्रेड कर रहे हो, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि अगर आप हॉट वॉलेट यूज करो रादर देन अ कोल्ड वॉलेट। इसके बाद बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेजोस। ये चीज कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज की तरह प्ले करती है, जहां पे आपने अपनी डायरी में लिख के रखना पड़ेगा कि आपकी कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, कितना क्रिप्टो आपने किस प्राइस में परचेज करा था। जहां पे हम लेजर की बात करते हैं तो इसका एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास रहता है जहां पे आप जाके अपनी इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। सो गाइज, दीज वर फ्यू ऑफ दी वॉलेट्स, उनके एडवांटेजेस उनके डिसएडवांटेजेस जो आप लोगों को पता होने चाहिए बिफोर यू डिसाइड कि आप कौन से वॉलेट में अपने क्रिप्टो जो है वो ट्रांसफर करोगे फ्रॉम एनी ऑफ दी क्रिप्टो एक्सचेंज। आप लोग कौन सा यूज कर रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। विद दैट सेड गाइज, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।